ना एक मैथमेटिक्स में एक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लॉग वन प्लस एक्स। ठीक है, इसका एक्सपेंशन कहते हैं, क्या होता है? और वन प्लस एक्स का मतलब एक्सपेंशन होगा एक्स माइनस, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होना चाहिए राइट, ये देखो ये वन होना चाहिए और डिवाइड बाय वन होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे भी एक्स आएगा, तो एक्सपेंशन ऐसा होता है एक्स रेस्ट वन बाय वन माइनस एक्स रेस्ट टू बाय टू प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, ये ऐसे सीरीज होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, और एक बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही कभी कभी क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आया था वो देखो, ये ऐसा पूछा था ये एलएन टू, ठीक है, इसको एक्स एलएन टू का मतलब वही लॉग है। ठीक है, इसे काम करो लॉग टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग टू इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वन प्लस वन, क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन। तो यहाँ पे चेक करो, अब ये वन टू वन के पास है, अब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, एक्स इक्वल्स टू वन, सो वन राइट, वन माइनस क्या लिखेंगे, वन का स्क्वायर, अरे एक्स का वैल्यू वन है राइट, वन बाय टू प्लस ये क्या हो जाएगा, वन बाय थ्री राइट, माइनस वन बाय फोर, ये सीरीज हो जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा कॉपी कर लो, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में आने वाला है ये वन बाय एक्स वाला, वन बाय एक्स वाला आने वाला है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार इसको, बाद में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको। कैसा है देखो, सिंपल है, एक्स का वैल्यू पहले लिखना है फिर वही वन टू थ्री ऐसे रिपीट करते जाना है, बट अल्टरनेटिव आना चाहिए आपके। ठीक है, अल्टरनेटिव। चलो तो फिर क्वेश्चंस देखो क्या है, क्वेश्चंस आपको ना एक क्वेश्चन दे दिया। चलो एक क्वेश्चन है, ऐसा बोला है, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसका एरिया ए है, ठीक है, इसका एरिया ए है और डिस्टेंस है डी, डिस्टेंस कितना है डी है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि इसके अक्रॉस आप क्या लगाओगे, मेटल लगाओगे बी कॉमा जीरो का, लेकिन लेकिन उन्हें बोला है जो इसके अंदर का जो के है ना, के ऐसे वैरी करता है, कैसे वैरी करता है, के ब्रैकेट वन अल्फा इंटू एक्स। देखो देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, देखो के है कॉन्स्टेंट, कुछ तो के बोला है ना, के वैल्यू अंदर होता है, वन प्लस अल्फा एक्स। यहाँ पे अगर देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये अगर ऐसे एक्स एक्सिस होगी तो यहाँ पे अगर इसका ओरिजिन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन होगा, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना तो एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली के का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। कैसे, मान लो आपने यहाँ पे एक स्लैब ले लिया, कौन सा स्लैब ले लिया, देखो यहाँ पे स्लैब ले लिया, वही जो हम लोग डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते थे उसके अंदर वर्टिकली डाला है ना ऐसे। ठीक है, अगर इस स्लैब की विड्थ है डीएक्स, मान लो एग्जाम्पल के लिए विड्थ है डीएक्स, अब थोड़ा चेक करो, यहाँ पे एक विड्थ है और यहाँ पे एक विड्थ है, यहाँ पे एक विड्थ है, ऐसे इमेजिन करते हैं। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कुछ तो है और इसका कुछ तो डिस्टेंस है, देखो ना दोनों का डिस्टेंस चेक करो, तो दोनों के लिए अगर आप चेक करेंगे तो के का वैल्यू सेम रहेगा क्या, देखो तो ये भी डीएक्स है, ऐसे इमेजिन करो, ये भी डीएक्स है, ये भी डीएक्स है, चाहिए तो यहाँ पे भी एक ले लो, यहाँ पे भी एक ले लो, चलो यहाँ पे भी एक ले लो, और ये डीएक्स है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका डिस्टेंस, देखो ये थ्री स्लैब ले लिया है, ये थ्री स्लैब ले लिया है। मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इस इक्वेशन की तरफ देखो आप, इस इक्वेशन की तरफ देखो, मेरा पहला क्वेश्चन है, एक बार ही आंसर करना है आपको, तीनों स्लैब्स अगर तीनों को तीन कैपेसिटर्स भी मानते हैं तो ये किस में रहेंगे, पहला क्वेश्चन उसी के अंदर आंसर देना है। ये तीनों कैपेसिटर अगर तीन अलग अलग कैपेसिटर्स है तो उनको कौन किस में है, ये सीरीज या पैरेलल, और दूसरी बात तीनों का के सेम रहेगा क्या, सेम होगा या डिफरेंट।
ओके ओके देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, के इज इक्वल्स टू के वन प्लस अल्फा एक्स, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे जैसे आप यहां से चलते जाओगे, ये देखो ना इसके लिए क्या है, एक्स है राइट, इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू मान लो कुछ तो है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, क्या वो भी एक्स के बराबर ही होगा क्या? मान लो यहाँ पे एक्स का वैल्यू वन है, तो ये कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा शायद, टू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो स्लैब्स है ना, स्लैब्स ऐसा डाला है, उन स्लैब्स के लिए उसके अंदर के का वैल्यू है ना, वो अकॉर्डिंग टू एक्स वैल्यू होता जाएगा, एक्स क्या होता जाएगा, वैल्यू होता जाएगा। ठीक है, तो पहली बात के तीनों के लिए सेम नहीं रहेगा, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तीनों के लिए के का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, तो वो चेंज रहेगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके अलग, देखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे चेक करो ना, यहाँ पे ओरिजिन मानो और एक्स का वैल्यू आप आगे आगे जाओगे तो देखो ना ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, आप आगे जाओगे तो एक्स का वैल्यू क्या होता जाएगा, वन टू थ्री फोर ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक डिस्टेंस पे एक्स का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे के का वैल्यू कुछ अलग रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग रहेगा, और यहाँ पे कुछ अलग रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये किसमें रहेंगे, तो आपने किसने बोला है पैरेलल रहेंगे, भाई ये पैरेलल रहेंगे क्या, पैरेलल अगर कभी भी ऐसे वर्टिकल डाला है स्लैब्स तो उनको पैरेलल नहीं मानते, किसने मानते हैं, सीरीज में मानते हैं। पैरेलल कब होगा, जब ऐसा कैपेसिटर है, ये प्लेट है, और उनको ऐसा डाला जाता है, ऐसा ऐसा डाला जाता है, तब ये क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस में स्लैब्स पैरेलल होते हैं, ऐसे सिचुएशंस में सीरीज में होते हैं, किसमें होते हैं, सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्या करना है, एक्स पे जाना है, कहाँ पे जाना है, एक्स पे जाना है, और एक स्लैब, कौन सी स्लैब, डाइलेक्ट्रिक की स्लैब, जिसका विड्थ कितना लेंगे, डीएक्स ले लेंगे, कितना ले लेंगे, डीएक्स ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यहां से लेकर यहां तक ऐसे कितने स्लैब्स बनेंगे, इनफाइनाइट स्लैब बनेंगे, क्यों, क्योंकि छोटा सा फिर छोटा सा फिर छोटा सा, क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे के का वैल्यू क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसे कितने स्लैब्स हो सकते हैं, थ्री स्लैब्स नहीं, ऐसे इनफाइनाइट स्लैब्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अगर अभी आप एक काम करते हैं, ये एक कैपेसिटर बनेगा ना, एक एक कैपेसिटर बनेगा, बट ऐसे तो एक इसमें इस पैरेलल प्लेट के बीच में ऐसे कितने स्लैब्स है, बहुत सारे है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डीसी लिखेंगे इसको, क्यों, डीसी का मतलब क्या होता है, स्मॉल कैपेसिटर, छोटा सा एक कैपेसिटर मानेंगे, डीसी का मतलब छोटा कैपेसिटर, डीएक्स, वैसे डीसी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इनटू ए, क्या पूरा ए इसको कवर किया है, देखो इस प्लेट ये है राइट, तो ये पूरा कवर किया है ना एरिया। ठीक है, चलो एप्सिलॉन ए डिवाइड बाय कितना उसका डी है, डीएक्स है, कितना है, डीएक्स है, अपॉन अपॉन डीएक्स अपॉन इसके अंदर के कितना है, के डैश है, कितना है, के डैश है, तो इसका लिख सकते हैं कैसे, के डैश को ऊपर लेके जाओ, तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए के डैश अपॉन डीएक्स, ये लिखने में कोई दिक्कत है क्या, चेक करो यहाँ पे, एक छोटा सा कैपेसिटर मान लिया, एक छोटा सा कैपेसिटर मान लिया, तो डीसी मतलब सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए क्या है, ये मतलब इसने पूरा इस प्लेट का एरिया पूरा कवर किया है क्या, यस पूरा कवर किया है, डिवाइड बाय डीएक्स अपॉन ये इसका डायलेक्ट्रिक कितना है, ये के डैश है। ठीक है, तो ये ऊपर चला गया, चलो तो यहाँ पे देखो डी सी इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू पुट कर लो, क्या होगा आंसर, एप्सिलॉन नॉट ए, ये देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते, कितना डिस्टेंस है एक्स राइट, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, के वन प्लस अल्फा एक्स, देखो के डैश का वैल्यू जो है वहां पे पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय डीएक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे देखो ना ऐसे जितने भी कैपेसिटर्स बनने वाले हैं, वो कैपेसिटर्स किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, तो आपको याद होगा, तो सीरीज के लिए लिखते कैसे हैं, सीरीज के लिए ऐसे लिखते हैं ना, वन बाय सी इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन कुछ तो एक्स इंटू डीएक्स होता है राइट, एक्स इंटू क्या होता है, डीएक्स होता है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है डी। चलो तो
यहाँ पे तो नीचे dx दिख रहे हैं हमको, क्या दिख रहे हैं, नीचे dx दिख रहे हैं, तो क्या करो इसको रिवर्स कर दो, इसको क्या करो रिवर्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई डी सी इज इक्वल टू, ये देखो dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के वन प्लस अल्फा एक्स, क्या होगा वन प्लस अल्फा एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलो इसका तो आंसर वन बाय सी आएगा, इसका आंसर क्या आएगा वन बाय सी आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है, कौन वेरी कर रहा है, dx, dx मतलब ये, आप बता दो dx का लिमिट्स कहां से कहां तक होगा, यहाँ पे x मतलब यहाँ पे कौन है dx, ये है ना वेरिएबल है, मतलब x वेरिएबल है, तो यहाँ पे कहां से कहां तक वेरी करेगा, ओके ठीक है ठीक है। चलो तो आंसर है जीरो टू इनफाइनाइट कैसे होगा भाई, इनफाइनाइट मतलब क्या कैपेसिटी, कहां पे दिख नहीं रहे है क्या, इनफाइनाइट तक है क्या, ऐसा है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है यहां से, राइट, यहां से स्टार्ट होता है, मतलब कहां कितना वैल्यू है एक्स का, जीरो है, कहां पे खत्म होता है, यहां पे खत्म होता है, तो ये तो डिस्टेंस पता है ना आपको, देखो जीरो से स्टार्ट होगा, खत्म कहां पे होगा, डी पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट्स होगा जीरो टू डी होगा, जीरो टू डी, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो हमको कांस्टेंट दिख रहा है, ये तो क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए के, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए के इसको बाहर निकालेंगे, राइट, अंदर क्या बचा, अंदर बचा है वन प्लस अल्फा एक्स, राइट, इनटू डी एक्स बचा है, राइट, जीरो टू डी। अब आपको पता है ना वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, था वो वन प्लस अल्फा एक्स था, राइट, चलो तो वन बाय एक्स होता है ना, तो यहाँ पे होता है क्या है, वन बाय सी को तो वैसे लिख देंगे, वन बाय सी इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, वन बाय एप्सिलॉन नॉट ए के, राइट। अच्छा ये वन बाय एक्स ऐसा वाला कुछ इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो ये वन बाय ये टर्म मतलब क्या होगा, लॉग, लॉग क्या होगा, वन प्लस अल्फा एक्स, क्या होगा, वन प्लस अल्फा एक्स। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है क्या, नहीं है, फिर यहाँ पे क्या है, वन प्लस अल्फा एक्स है, ठीक है। तो कभी भी एक बात याद रखना है, अगर एक्स होता ना तो सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, लॉग एक्स लिख देते हैं, ln x लिख देते हैं, राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है, तो यहाँ पे वन प्लस अल्फा एक्स है, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये जो अंदर वाला टर्म है था ना, ये अंदर वाला टर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करके डिवाइड करना होता है, तो चेक करो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, कांस्टेंट है। अल्फा एक्स का क्या होगा, जैसे टू एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, आंसर होता है टू, आंसर क्या है टू, क्यों, क्योंकि एक्स का कितना होता है वन, तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड बाय अल्फा होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सीधा इसको चलो एक काम करते हैं, वन बाय सी इज इक्वल टू ये वन बाय एप्सिलॉन नॉट ए के अल्फा, अल्फा को बाहर निकाला है, राइट। अच्छा ये देखो ln 1 plus x ऐसा वाला कुछ सीरीज है ये, ठीक है, तो इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 नहीं नहीं सॉरी 1 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा ना अल्फा x माइनस अल्फा x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा x का क्यूब डिवाइड बाय 3, ये सीरीज ऐसे चलते रहेगी, ठीक है, ये सीरीज ऐसे चलते रहेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके okay, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ओके okay, यहाँ पे क्या है आंसर, देखो ये तो सीरीज ऐसे चलती रहेगी, उनमें क्या बोला है कि अल्फा एक्स इज बहुत छोटा वैल्यू है ये, ठीक है, अल्फा उस क्वेश्चन में दिया है अल्फा इज एक्स इज वेरी लेस लेस देन वन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर एक छोटा सा वैल्यू है 0.1 है, उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाता है, राइट, 0.1 का स्क्वायर करो आंसर क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर क्यूब और रेस्ट ऑफ फोर लेते जाओगे तो ये वैल्यूज क्या होते जाएंगे, बहुत ही छोटे होते जाएंगे, तो सिर्फ इसको और इसको कंसिडर करो, इसको और इसको कंसिडर करो, बाकी वाले को निगलेक्ट करो, ठीक है, बाकी निगलेक्ट करोगे तो क्या बचेगा, वन बाय सी इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखो
एप्सिलॉन नॉट, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या, काम करते हैं इससे लिख देते हैं ठीक है। क्या आएगा आंसर, 1/c इज इक्वल्स टू, हाँ इसको ऐसे लिख दो, एप्सिलॉन नॉट ए के अल्फा, राइट। अच्छा इसमें क्या करो, अगर यही टर्म को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसको कंसिडर, अरे आगे वाले तो क्या है ना, 0. का क्यूब करोगे तो और ही छोटा हो जाएगा ठीक है, तो उसको मत करो, इसको और इसको। और उस क्वेश्चन में बोला था कि ऐसा दिया है राइट, अल्फा एक्स इज लेस देन 1 ठीक है, तो एक काम करो इस दो ही टर्म को कंसिडर करो, और अल्फा एक्स को अगर बाहर निकालोगे, अल्फा एक्स को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, अल्फा एक्स को बाहर निकालो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, एक मिनट गलती क्या हो गया यहाँ पे, मैंने इंटीग्रेशन पूरा नहीं किया है, एक मिनट यहाँ पे 0 टू डी पुट करना होगा ना हमको, ये लिमिट्स मैंने तो यहाँ पे लिया है, तो लिमिट्स तो भी पुट करना होगा, तो लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या होगा, पहले डी को पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसा बचेगा, देखो सॉरी यहाँ पे ऐसा बचा, ये एक्स है ना, ये डी तो पुट करना पड़ेगा, डी पुट करेंगे तो ये अल्फा डी हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 रह जाएगा ठीक है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा डी बाहर आएगा, अल्फा डी बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा डी बाय 2, क्या बचेगा, अल्फा डी बाय 2 बचेगा ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहे हो अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर ये इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करेंगे तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाय, देखो नीचे आ जाएगा ना ये टर्म, 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 नीचे आएगा, और ऊपर चला जाएगा तो क्या दिखेगा तुमको, ये डी भी तो है, डी है नीचे आएगा, डी नीचे आएगा राइट, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ होगा क्या, माइनस अल्फा डी बाई 2 रेस्ट टू माइनस 1, ऐसा कुछ तो होगा। चलो फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट फाइनल आंसर आ गया, और आपको बोला है ना अल्फा डी का वैल्यू, मतलब अल्फा एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, मतलब ये माइनस जो वन है ना ये यहाँ पे अंदर आएगा, तो फाइनल आंसर जो है वो इतना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी, ये क्या होगा आंसर, 1 प्लस अल्फा डी बाय 2, ये फाइनल आंसर होगा ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको ये पहली बार देख रहे तो गड़बड़ लग रही होगी, लेकिन फॉर्मेट सेम ही होता है, क्वेश्चन कैसा भी हो, एचओ में क्वेश्चन बहुत सारे है, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ना, ये क्वेश्चन इस बार 2020 में आया है ठीक है, कैपेसिटर के लिए, मैं आपको बोला था कैपेसिटर 100% क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है ठीक है, तो जो टफ क्वेश्चन बोला जाता है ना कैपेसिटर का, तो वैसे वाले ही होते हैं, फॉर्मेट सेम है, किसी कुछ डाउट है तो पूछो मुझे आप। अल्फा से डिवाइड होगा तो, हाँ अल्फा से डिवाइड होगा तो यहाँ पे देखो ना, ये अल्फा और ये अल्फा क्या हो गया, कॉमन लिया था ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा डी और यहाँ पे अल्फा डी, यहाँ पे भी बचेगा, तो अल्फा डी अल्फा, ये डी लिमिट पुट कर दो ना, अल्फा डी बाहर निकालो, तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, अब देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो चेक करो। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो जाते हैं ठीक है। एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये पहला वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने पहली बार ले लिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, डिफिकल्ट मतलब क्या है, उसमें फॉर्मेट तो सेम होता है भाई, फॉर्मेट तो सेम ही होता है, बस आपको वो फॉर्मेट समझ में आना चाहिए और इंटीग्रेशन ठीक है। ओके जो क्वेश्चन किया ना उसमें आपको क्लिक क्या होना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे के का वैल्यू उन्होंने दिया था, के इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा एक्स ऐसा दे दिया था, और उसमें भी वो भी बोला था कि अल्फा एक्स इज लेस देन 1 बोला था ठीक है, तो आगे वाला तो मैथमेटिक्स है। अभी प्रॉब्लम क्या है, इस प्लेट से अगर आप एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो यहाँ पे जितने भी स्लैब्स लेते रहोगे वो क्या होते जाएंगे, उनका जो के का वैल्यू है ना वो चेंज होता जाएगा, पहला पॉइंट उनका के का वैल्यू चेंज होता जाएगा, दूसरा वो किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, बस इतना ही ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन,
कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू स्क्वायर प्लेट्स दिया है, ठीक है, ये ऐसा दिया है, देखो एक स्क्वायर प्लेट है ऐसी, ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस बोला है डी, डी नहीं ए दिया, ए, ठीक है, ए दिया है, और यहां से ये उन्होंने अल्फा एंगल पे दिया है, अल्फा एंगल पे, ठीक है, और ये बोला है ऐसा, ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है डी, मतलब ये भी डिस्टेंस कितना होगा, डी तो होगा, ठीक है, ऐसा दिया है, और क्या दिया उसने, द कैपेसिटेंस ऑफ क्लोज टू, अच्छा उन्होंने ये दिया है, ये देखो प्लेट ऐसे रखा है, ये प्लेट ऐसे रखा है, देखो ऐसे प्लेट रखा है, स्क्वायर प्लेट है, और ये भी स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये भी स्क्वायर प्लेट है, बट ये इसको ऐसा रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ना अभी यस, ये प्लेट ऐसे रखा है, एक प्लेट ऐसा रखा है, ठीक है, और दूसरी प्लेट ऐसा रखा है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ऐसे ऐसे दूसरी प्लेट रखा है, और उन्होंने दिया है कि इसके इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो ऐसे प्रॉब्लम्स को, ये सेम प्रॉब्लम एचसी वर्मा में है, लेकिन मैं एचसी वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ट्राई करना होगा इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन है वो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे, यहाँ पे स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे, तो उसका डी कितना रहेगा, उस स्लैब के बीच का जो डिफरेंस रहेगा ना वो कितना रहेगा, डी रहेगा, लेकिन यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे चले जाओगे, देखो ना यहाँ पे थोड़ा देखो, अगर अगर आप यहां से यहाँ पे चले जाओगे तो कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या सेम रहेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ का कैपेसिटर आप चेक करोगे तो उसका तो डिस्टेंस डी है, राइट, लेकिन थोड़ा आगे जाओगे तो वो डिस्टेंस वही रह रहा है क्या, नहीं वो चेंज होता जाएगा, राइट, अगर आप आगे जाओगे तो भी चेंज होता जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, मतलब दो कैपेसिटर के बीच का जो डी वाला डिस्टेंस है ना वो चेंज होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। चलो तो क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन मान लो, यहाँ पे क्या मान लो, ओरिजिन मान लो, तो आप कहाँ पे चले गए, एक्स पे, कहाँ पे चले गए, एक्स पे, एक्स पे चले गए, मतलब आप इमेजिन करो इसको, थोड़ा इमेजिन करना शायद ही डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं देख मतलब दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लेट ऐसी है, राइट, एक प्लेट ऐसी है, दूसरी प्लेट ऐसी है, और इसको जस्ट इमेजिन करो, इसके जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे ऐसा स्लैब रखा है, यहाँ पे ऐसा स्लैब रखा है, ये कौन सी प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप लोगों को, देखो क्या है क्वेश्चन, ये अगर ए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये भी ए प्लेट है, एक्स पे जाके मैंने क्या किया, डीएक्स, डीएक्स की स्लैब ले लिया, ठीक है, डीएक्स की स्लैब ले लिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, और स्लैब ऐसा रखा है, देखो स्लैब को ऐसा रखा है, आपको बताना होगा उस स्लैब का एरिया कितना होगा, आपको बताना है उस स्लैब का एरिया कितना होगा, मतलब जो प्लेट से कनेक्टेड है, मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया नहीं, सॉरी आप गलत खोज करोगे, आप यहां भी देखो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मतलब इस तरफ का एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा जो इस प्लेट से टच्ड है, देखो ना हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, अगर यहाँ पे स्लैब डाला है, ये स्लैब डाला है और ये प्लेट है यहाँ पे, तो कौन सा वाला एरिया देखते हैं, जो ये डायलैक्ट्रिक वाला मटेरियल इसके साथ कौन सा वाला कनेक्टेड है, तो यहाँ पे प्लेट कैसी है, ऐसी प्लेट है, ठीक है, प्लेट ऐसी है, देखो यहाँ पे प्लेट ऐसी है, तो इस स्लैब का कितना एरिया इस प्लेट से कनेक्टेड है वो बता दो, इस प्लेट को इस स्लैब का कितना एरिया कनेक्टेड है, गुड गुड गुड, बहुत कम लोगों का आंसर है, सबको ट्राई करना है,
ये ऐसा है, देखो ये ऐसा दिया है, ये ऊपर वाला तो ऐसा है राइट, ये प्लेट ऐसी है, ये ऊपर वाली प्लेट ऐसी है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये देखो, अगर ये स्लैब है तो देखो ना यहाँ पे ये देखो ऐसा है, ये ऐसा है राइट, ऐसा ऐसा स्लैब है। तो ये देखो नीचे वाला सरफेस को कितना कनेक्टेड है, कितना देखो, मतलब ये वाला एरिया आपको बताना है, ये वाला एरिया, ये देखो यहाँ पे ये देखो ऐसा कनेक्टेड है ना ऐसा, तो इस प्लेट को इसका कौन कितना एरिया कनेक्टेड है, ऐसा क्वेश्चन है। नहीं, जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक इसको ब्रोशर करने का कोई मतलब नहीं है, आप थोड़ा सोचो और बता दो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्लेट है, इस प्लेट को अगर स्लैब ऐसा रखा है तो ये वाला एरिया जो कनेक्टेड होता है ना, ये देखो ऐसा वाला एरिया, अगर ऐसा है ये ऐसा रखा है, ये ऐसा रखा है, तो ये वाला, ये देखो ना ये टच हो रहा है ना इसको, ऐसा ऐसा टच हो रहा है, तो ये वाला एरिया कितना टच है इस प्लेट को। ओके ठीक है, तो कुछ लोगों ने आंसर किया है वो सही किया है। ठीक है, आंसर क्या होगा देखो भाई, अगर गलत हो गया तो भी चलेगा, लेकिन तो ट्राई तो करना होगा ना। dx² नहीं, dx² नहीं होगा, dx² नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्राई तो कर रहे हो ना, वो तो होना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए। मैं क्यों स्लो ले रहा हूँ इस प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे कैपेसिटर में। ओके, अरे कर क्या रहे हो यार, यहाँ पे देखो ये प्लेट है ना, ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये देखो, अगर मान लो इसका एरिया ए है, सॉरी ये साइड ए है, ये साइड ए है राइट, इस प्लेट का ये साइड ए है और ये भी ए साइड है राइट, और इसके ऊपर ऐसा रखा है। अब ऐसा रखा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ना ये ऐसा है ना, तो ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा है तो चेक करो, अब ऐसा थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे हो इसको। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ठीक है, मैं इसलिए देखना चाहता हूँ कि आपसे कौन सा आंसर आएगा। ओके, तो ये जो है ना, अरे ये देखो, ये इसकी तरफ ध्यान दे दो, ये टोटल कितना है ए है, और इसका ये देखो ना, इसके ऊपर ध्यान दे दो, ये कितना है टोटल जो कनेक्टेड है इससे, तो ये है ए, ये कितना है ए, और ये विड्थ कितना है डीएक्स, मतलब ये ऐसा रखा है, देखो ऐसा ऐसा रखा है, स्ट्रिप इमेजिन करो आप, स्ट्रिप इमेजिन करो, तो ये लेंथ कितना है ए, और ये विड्थ कितना है डीएक्स, तो क्या होगा ए इंटू डीएक्स, क्या होगा ए इंटू डीएक्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ए इंटू डीएक्स होगा इसका एरिया। चलो मतलब इस प्लेट से, ये प्लेट ऐसा हो गया, देखो प्लेट ऐसा हो गया, ऊपर वाले से कनेक्टेड है ये प्लेट और नीचे वाले से प्लेट से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा तो ये जो कनेक्टेड है ना वो कितना है ए इंटू डीएक्स है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या होता है प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल है, उन्होंने ये भी बोला है कि अल्फा जो है ना, अल्फा ये बहुत ही छोटा है, अल्फा जो है ना वो बहुत ही छोटा है, ऐसे क्वेश्चन में दिया है, अल्फा बहुत ही छोटा है, इसका मतलब एंगल बहुत ही छोटा है, और एंगल बहुत छोटा होगा तो ऐसा होगा ना, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये देखो ये कितना है, इस फिलहाल इसके लिए सोचो ये कितना है एक्स है। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्स लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे एक्स, और इसको लिखेंगे जस्ट वाई लिख देंगे। ठीक है, वाई कितना है हम लोग देखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स राइट, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा इंटू एक्स, बट आपको पता है अल्फा इज लेस देन वन, मतलब अल्फा बहुत ही छोटा है,
अगर अल्फा छोटा होगा तो टैन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, याद है, साइन अल्फा को साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, टैन थीटा को थीटा लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये अल्फा ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू एक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अल्फा एक्स, शायद समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अल्फा बहुत ही छोटा होगा तो टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, वैसा ही है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, फिर इस कैपेसिटर के लिए पूरा डिस्टेंस हो गया, एक तो डी है, डी प्लस अल्फा एक्स हो गया, ठीक है। चलो हम लोग पूरे कैपेसिटर के लिए अभी तक नहीं लिख रहे, छोटे वाला कैपेसिटर लिखेंगे, तो उसके लिखेंगे डीसी। डीसी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्या पूरा एरिया यूज किया है कि इसका, नहीं पूरा एरिया तो नहीं यूज किया, फिर कौन सा एरिया यूज किया, इतना ही तो क्या है, ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स, ठीक है। के के बारे में कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, के क्या दिया लिखित में, नहीं, के के बारे में पूरा ए ही दिया है, मेरी दिया है, बट यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, राइट। अच्छा, एब्सोल्यूट ए मतलब वन ही रहेगा वो के का वैल्यू, ठीक है। और डी, डी कितना है, देखो इस कैपेसिटर के लिए डी कितना है, डी प्लस अल्फा एक्स, राइट, कितना होगा, डी प्लस अल्फा एक्स होगा, राइट। ये देखो ना, ये डी डी है और ये अल्फा एक्स, तो क्या होगा, डी प्लस अल्फा एक्स होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। अब थोड़ा सोचो और बता दो मुझे, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगा, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगा, ये तो आंसर सी रहेगा, इसका तो आंसर सी रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे कौन वेरिएबल है, डीएक्स है, तो कितना होगा, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। और लोगों को भी ट्राई करना है, अरे स्लैब्स कहां पे रखना स्टार्ट किया, यहां पे, राइट, यहां पे, मतलब यहां पे देखो ना, आप ऐसे 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 जा रहे हैं ना, ये देखो ना, एक से ये एक से, तो कहां तक रखोगे, यहां तक रखोगे, यहां तक स्लैब रखोगे, मतलब एक से यहां से स्टार्ट करोगे, खत्म कहां पे होगा, यहां पे होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए जीरो टू ए, क्या होना चाहिए, जीरो टू ए, ठीक है। चलो तो c इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो बाहर रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये कैसा दिख रहा है हमको, ऐसा दिख रहा है ना, जैसे वन बाय एक्स की तरह, किसके तरह दिख रहा है, वन बाय एक्स की तरह, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, ln क्या लिखेंगे, डी प्लस अल्फा एक्स, राइट। बट हमको क्या होता है, सिर्फ एक्स है क्या, नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन करना होगा और डिवाइड करना होगा, डी क्या है, कॉन्स्टेंट है, डी क्या यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो डी का तो जीरो ही रहेगा, फिर अल्फा एक्स का क्या होगा, अल्फा रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा, राइट। और ये सीरीज आपको पता है, नहीं, ये सीरीज में क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये डी प्लस अल्फा एक्स है, राइट, डी प्लस अल्फा एक्स ही है ना, उसमें क्या कर सकते हैं, वन प्लस, नहीं, लिमिट्स रिपोर्ट करना बाकी है क्या हमारा, हाँ लिमिट्स रिपोर्ट करना बाकी है ना, एक मिनट, लिमिट्स पुट करना बाकी हो गया ना, तो सी इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो क्या रहेगा, ये तो अल्फा बाहर आएगा, बट जीरो टू क्या होगा, ये ए होगा, राइट। तो पहले लिमिट्स पुट करके लेते हैं, जीरो बाय ए अल्फा ln, ये क्या होगा, पहले ए को पुट करेंगे, तो मतलब क्या होगा, डी प्लस क्या होगा, ये अल्फा ए होगा, राइट, माइनस मतलब इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, डिवाइड कर लेते हैं इसको, माइनस मतलब ऐसा है ना, ln ऐसा लिखते, देखो ln a माइनस ln b को क्या लिखते हैं, ln a बाय b, इसको क्या लिखते हैं, ln a बाय b लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो जीरो को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, d होगा, ठीक है। तो चेक करो, ये ऐसा आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा ln, क्या होगा ये आंसर, इसको डिवाइड कर लो, वन हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा ए बाय डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अल्फा ए बाय डी हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा जगह है, इसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये समझ सकते हो तुम लोग, कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके अब क्या करते हैं, ये 1 बाय एक्स की तरह है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय अल्फा, देखो पहले क्या आएगा, x, x कितना है, अल्फा ए बाय डी, अगेन माइनस, वही वही सीरीज है, क्या होगा, अल्फा ए बाय डी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, तो इसमें से कॉमन क्या लिख सकते हो, अल्फा ए बाय डी कॉमन ले लो, मतलब ये पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें बोला है ना अल्फा बहुत ही छोटा है, अल्फा बहुत ही छोटा है ऐसे बोला है, तो अल्फा बहुत ही छोटा होगा तो आगे आगे जाओगे तो वो क्या करेंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं, अगर निगलेक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, ये देखो क्या होगा, c इज इक्वल्स टू, इसमें से अल्फा ए बाई डी कॉमन ले लो, तो क्या होगा, c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा ए बाय डी, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस अल्फा ए बाय डी, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो अल्फा से अल्फा कैंसल, तो आंसर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइड बाय डी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अल्फा ए बाय डी, ये होगा फाइनल आंसर, और ये भी 2020 का क्वेश्चन है, एक बैच में ये क्वेश्चन आया था और दूसरे बैच में वो वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल क्वेश्चन है, शायद ये सेम क्वेश्चन आपको एचसीएल में मिलेगा, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को कुछ डिफिकल्ट है तो पूछो यहाँ पे क्वेश्चन में। अल्फा ए बाई टू डी आना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो क्या, टू डी, हाँ, राइट 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 राइट, ये टू आएगा, राइट टू आएगा, यहाँ पे टू आएगा, तो ये यहाँ पे भी टू रह जाएगा, ठीक है, अरे वो एक्सपांशन है ना, एक्सपांशन एक्सपांशन यहाँ पे होगा टू, ठीक है, वो एक्सपांशन क्या होता है लेने का, तो अभी दे देते ना, बस सही है, बात सही है, यहाँ पे टू आएगा, फिर ये थ्री ये फोर ऐसे रेपिड होता है ना, ये टू आएगा यहाँ पे, मतलब ये आंसर होगा, क्या होगा आंसर, देखो फाइनल आंसर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय डी इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा ए अपॉन टू डी आएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस होते हैं देखो, अब ये तो डिफिकल्टी तो लेवल तो हो गया, ठीक है, अब थोड़ा सिंपल भी क्वेश्चंस होते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आया है, उन्होंने बोला था कि दो आपको क्या दिया है, ये कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट दिया है, क्या दिया है, कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट दे दिया है, राइट, और एक शीट ऐसा दिया है और एक शीट ऐसा दे दिया है, राइट, और उन्होंने बोला था ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और क्या बोला है देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम इज गिवन बाय, ठीक है, उन्होंने ये दिया है, देखो ये एक इनफाइनाइट शीट ऐसे रखा है, देखो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट शीट है और एक इनफाइनाइट शीट ऐसे रखा है और उन दोनों के बीच का एंगल है 30, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है, लेकिन कौन सी है, कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है, राइट, तो ये देखो ये ऐसे रखा है और ये ऐसे रखा है, तो आपको पता होगा इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर, कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर, और वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या करना है देखो, ये इनफाइनाइट शीट है ना, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, राइट, एक ऐसे निकलेगी और दूसरी कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी ना, ये देखो ना, इससे परपेंडिकुलर ऐसा होगा ना, इससे परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल कितना होगा, ये है 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर निकलेगा, ये है 30 तो ये कितना होगा 60, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, राइट, अगर ये 60 होगा तो ऐसे निकल के जाएगी, तो आंसर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उन्होंने बोला ये एक एक्सिस है, तो ये देखो ना, इसको रिजोल्व करोगे, इसको रिजोल्व करोगे तो एक क्या होगा, इस तरफ आएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, कॉस 60, क्या होगा, कॉस 60, और दूसरी ऐसी आएगी, क्या होगा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट साइन 60, ठीक है, ओके, अब इसके बारे में सोचते हैं, इस प्लेट के बारे में, ये तो हो गया इस प्लेट के बारे में,
अब ये तो स्ट्रेट ही चला जाएगा ना, इसे कोई लॉजिक ही नहीं है। ये देखो ना, ये एक्स, एक्स प्लेन में रखा है, इसको एक्सेड प्लेन में रखा है, तो ये तो ऐसा स्ट्रेट ही चला जाएगा ना। स्ट्रेट जाने का मतलब किस तरफ होगा, जेड एक्सिस में होगा, सॉरी वाई एक्सिस में होगा। तो इस प्लेट का आंसर देखो, इस प्लेट का आंसर क्या होगा, इस प्लेट का आंसर यहाँ पे लिखा है ना, तो कैसे लिखेंगे, ये प्लेट का आंसर होगा, इसके लिए वन का प्लेट होगा, इसको वन लिख देता हूँ और इसका टू लिख देता हूँ। ई वन का क्या होगा आंसर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस 60, जो भी आंसर आता है बाद में लिखो, इसका आंसर क्या होगा आई कैप, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस, क्यों, वो इस तरफ जा रहे हैं, देखो इस तरफ जा रहे हैं राइट, और ये किधर जा रहे हैं नीचे, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट साइन 60 जे कैप, ठीक है, वो किधर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब ई टू क्या होगा, ई टू मतलब इसके वजह से, इसके वजह से तो सिर्फ ऐसा ऊपर चला जाएगा, उसको रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा जे क्या होगा, ठीक है। अब इन दोनों का नेट कैसा आएगा, लिखने हमको ये और ये लिखा है, ऑप्शन में यही दिया था आई कैप जे कैप क्या टर्म्स में, ठीक है। इसमें कुछ डिफिकल्टी है क्या आपको, ये बहुत ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक दो क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी 2020 का क्वेश्चन है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं रहेगा आपको, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, चलो डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ऐसा एक एक स्पेरिकल कंडक्ट स्पेरिकल दिया था, स्पीयर दिया था, स्पीयर जिसका रेडियस दिया था आर, रेडियस दिया था आर, ठीक है, और यहां पे उन्होंने ये दिया था, इसका रेडियस दिया था आर बाई टू, कितना दिया था आर बाई टू दिया था, ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला था कि इसके अंदर डेंसिटी सेम है, बट यहाँ पे इसके अंदर इतनी कैविटी जनरेट कर चुके हैं, वो क्या जनरेट कर चुके हैं, कैविटी मतलब चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे रहेंगे, चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, दोनों की डेंसिटी कैसी है, सेम है, बट पूरा क्या है, पूरा चार्ज इस पूरे स्फीयर को कितना चार्ज दिया था, इसे इमेजिन करेंगे, रो इज इक्वल टू दिया था क्यू अपॉन क्या होगा ये 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब रहेगा ना पूरा, और उसमें से इतनी कैविटी जनरेट कर चुके हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा था ए बाई बी ना, ए बाई बी मतलब यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था ए पॉइंट और यहाँ पे दिया था बी पॉइंट, और पूछा था ई ए बाई ई बी का रेशियो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ए बाई बी का रेशियो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा, सिंपल ये देखो ना, ये कंडक्टिंग सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि अब चार्जेस अंदर भी है, तो ये किसका फॉर्म हो गया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, ठीक है। अब पहले एक काम करते हैं, पूरे स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, क्यों चार्ज है, बट इसके अंदर चार्ज है क्या, नहीं है, पहले क्या करते हैं, वो कैविटी वाले प्रॉब्लम जैसे हम लोग रोटेशन में भी करते थे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में करते थे, तो वैसा यहाँ पे एक अंदर कैविटी ऐसे इमेजिन करो, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बट इसको मानते समय क्या किया हम लोगों ने, पूरा चार्ज है, पूरा चार्ज है, और किसने में डिस्ट्रीब्यूट किया 4/3 पाई आर क्यूब में, राइट, बट इसमें चार्ज है क्या, नहीं है, तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो चार्ज निकालना है वो क्या करना होगा, रो इंटू इसका वॉल्यूम, तो रो कितना है इसका, क्यू अपॉन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर, मतलब r बाई टू का क्यूब, मतलब क्या होगा देखो ना 4/3 पाई r क्यूब बाय 8 होगा, राइट, मतलब r बाई टू का क्यूब क्या होगा 8, ये तो होगा, तो ये और ये क्या होगा कैंसल, तो आंसर कितना आएगा q डैश इज इक्वल्स टू क्यूब बाय 8, बट ये क्या लेंगे माइनस लेंगे, ये क्या लेंगे माइनस, क्यों, इसके अंदर चार्ज है ऐसा इमेजिन किया, और इसलिए इसके अंदर चार्ज नहीं है ऐसा इमेजिन करना, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इसके लिए अगर ये पहले क्या करो, ये पूरा स्फीयर ऐसे इमेजिन करो, पूरा स्फीयर ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, तो ये पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है क्यू, तो इस बड़े वाले स्फीयर के वजह से सेंटर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आपको याद है
वो फॉर्मूला होता था कंडक्टिंग सॉलिड नॉन सॉलिड कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला होता था, याद है आपको, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू ऐसा होता था, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे इसके सेंटर में ना एग्जैक्टली तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। अरे एक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो ये बड़े वाले के वजह से, इसको मैं बड़ा वाला लिख देता हूँ, ठीक है, ई भी लिख देता हूँ, इसको कंफ्यूजन हो जाएगा क्या, ये एंड बी के लिए, बड़े वाले के लिए लिख देता हूँ, नहीं तो बिग बी 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 आएगा वो, बड़े वाले के लिए क्या लिखेंगे भाई, चलो बड़े इसको ना ई लिख दो, नहीं तो ई वन लिख दो, ई वन, ठीक है, बड़ा वाला मतलब ई वन, ठीक है, वन मतलब बड़ा वाला, ठीक है, टू मतलब छोटा वाला, ठीक है। तो ई वन के वैसे आंसर वैसे भी कितना है, जीरो है, यहाँ पे कितना है, जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं नहीं सॉरी, ए के लिए तो इसके वजह से हो गया, अब इसके वजह से क्या होगा, देखो ये छोटा वाला है ना, छोटा वाला है, बट छोटे वाले के लिए पॉइंट कहाँ पे, ऑन द सरफेस है, कौन सा है, ऑन द सरफेस है, और आपको पता है ऑन द सरफेस या आउटसाइड द सरफेस इसको किसके तरह ट्रीट करना है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, देखो माइनस क्यू बाई एट है, कितना चार्ज है, माइनस क्यू बाई एट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, ऊपर होगी, किस तरफ होगी, ऊपर होगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए ऊपर होगी, राइट, और पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर होगी। तो E2 के वजह से, E2 के वजह से कितने हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला है ऑन द सरफेस पे क्या लिखेंगे, K Q by 8 ना डिवाइड बाय R by 2 का स्क्वायर, अरे ये क्या होता है, K Q by R स्क्वायर होता है, राइट। तो ये आंसर कितना होगा, ये आंसर होगा E2 का आंसर आएगा कितना आएगा, देखो K Q अपॉन, ये देखो ना ये 4 हो जाएगा ना, तो ये 2 R स्क्वायर हो जाएगा, देख लो आप एक बार, ये 8 है और ये 4 है, ठीक है, चलो। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो नेट कितना आएगा, ये तो जीरो ही है और ये क्या है, टू है, तो नेट ईए पे, नेट ईए पे आंसर क्या होगा, के क्यू अपॉन टू आर स्क्वायर होगा, ठीक है, ये हो गया। अब बी का निकाल देते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब बी का निकाल देते हैं, बी का क्या होगा, देखो बी का क्या होगा, बी मतलब ये वाला है, राइट। तो बी के लिए, इस स्फीयर के लिए ये कौन सा है, ऑन द सरफेस है, तो उसके वजह से कितना होगा, नीचे होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ई वन डैश के लिए, ई वन डैश मतलब कितना होगा, इसके वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, राइट, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। बट इसके वजह से क्या होगा, इसके लिए क्या है, आउटसाइड द सरफेस है, देखो ना इसके लिए आउटसाइड द स्फीयर है, ठीक है, आउटसाइड दिस स्फीयर है, तो इसको लेके क्या लिखेंगे, E2 dash is equals to K, अच्छा कितने, किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो ये ऊपर की तरफ होगी, तो Q by 8 divided by R square, but R कितना है इसका, ये तो R है plus R by 2, मतलब कितना, 3R by 2 का square, ठीक है। तो कितना होगा आंसर इसका, E2 dash का आंसर कितना होगा, KQ by 8, और ये हो जाएगा 3 मतलब 9R square by 4, right? 9R square by 4, मतलब ये हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 18, मतलब KQ upon, देखो ना 9 है ना, 9 और ये 4 से 2 कट जाएगा, तो क्या होगा 18R square हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये नीचे है और इसके वजह से ऊपर है, तो नेट कितना आएगा, EV, EV नेट आएगा, EV नेट आएगा this minus this, तो ये कर लो ना, के क्यू आर स्क्वायर तो कॉमन ले लो, क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 - 1/18, तो आंसर कितना होगा, आंसर आंसर होगा, देखो क्या होगा, 18 यहाँ पे आएगा, तो 17/18 आएगा, 17/18 के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उन्होंने पूछा है ई ए, ई ए इतना है, ई बी इतना है, डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आंसर, डिवाइड करेंगे तो ये के क्यू आर स्क्वायर और के क्यू आर स्क्वायर क्या कैंसिल आउट होगा, तो क्या होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 17/18, तो आंसर क्या होगा, देखो ये 18 ऊपर चला जाएगा और ये 34 आएगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा 9/17 नहीं दिया था, यही ऑप्शन दिया था 18/34, ठीक है। तो ये भी इस साल का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2q 2q -4q, एक ऐसा सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया है और यहाँ पे ना 2q दिया है और एग्जैक्टली इसके यहाँ पे -2q दिया है, ठीक है, -2q दिया है और उन्होंने दिया है, देखो ऐसा कुछ तो दिया, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पे एंगल है 30, यहाँ पे भी एंगल है 30, ठीक है, यहाँ पे एंगल है 30, तो डिस्टेंस कितना दिया है, डी दिया है, राइट, डिस्टेंस दिया है डी और यहाँ पे बोला है ये 2q -2q, ये -4q -4q दिया है, ठीक है, -4q दिया है और ये डिस्टेंस है डी, ये भी डिस्टेंस है डी और उन्हें पूछा है ये पॉइंट जो है ना सेंटर में, उसको ओ बोला है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछे आपको, क्वेश्चन पूछा है कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। तो क्या करना है, देखो सिंपल है, ये 2q है, 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इसको मैं लिख देता हूँ E1, इसके वजह से E1, इसके वजह से E2 और इसके वजह से क्या लिखेंगे E3 लिख देंगे, राइट। और उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा था, y एक्सिस में नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था कि x एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी x एक्सिस में, ठीक है, तो क्या करना है, देखो इसके वजह से टोटल डिस्टेंस कितना है d, तो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, कितना होगा आंसर, e1 = कितना होगा k 2q, राइट, k³ / d² राइट। अच्छा इसके वजह से, ये तो नेगेटिव चार्ज है, उसके वजह से भी किधर होगा, नीचे तो होगा और कितना होगा, देखो ना डिस्टेंस भी डी है, चार्ज का वैल्यू भी 2q है, तो उसका भी आंसर, E2 का आंसर क्या होगा, वही होगा k² / d², राइट। तो इन दोनों की वजह से जो नेट आएगा ना, वो नेट कितना होगा, नेट होगा इसके वजह से, नेट E' क्या होगा, ये देखो ना k³ वही ऐड करोगे तो क्या होगा आंसर, 2 × 2 मतलब कितना हो जाएगा ये 4 k³ / d² इतना होगा, राइट। बट ये किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बट क्या ये एक्स एक्सिस है, नहीं है, एक्स एक्सिस तो ऐसा है, तो इसको क्या करोगे, रिजोल्व करोगे तो ये किसके साथ जाएगा, वो cos 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो ये कौन सा है, -4q है, -4q का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी, उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, कितनी होगी, तो लिखो इसको मैं E3 लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, के ये कितना चार्ज है, 4q / d² राइट, देखो ना ये दोनों वैल्यू सेम आ रहे, ठीक है, और इसके इस तरफ पूछा है, इस तरफ पूछा है, तो मतलब क्या होगा, ये आंसर क्या होगा, E" का आंसर क्या होगा, 4k³ वही आएगा ना, k³ यही आएगा, देखो 4k³ / d² cos 30। इन दोनों को क्या करो, ऐड कर लो, ये ऐसा और ये ऐसा, इसको रिजोल्व किया, इसको रिजोल्व किया, इन दोनों को जो अगर ऐड करके देखोगे तो वही आंसर आएगा जो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ डाउट, एक इंटीग्रेट टाइप में क्वेश्चन आया था, कैपेसिटर का क्वेश्चन था वो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन था 60 pF कैपेसिटर, पिकोफेरेड का मतलब ये तो समझते हो ना, नैनोफेरेड, ये देखो नैनोफेरेड, पिकोफेरेड, माइक्रोफेरेड और मिलीफेरेड, मिलीफेरेड इनका मतलब क्या होता है, एक बार लिख देता हूँ, 10⁻¹, 10⁻¹², 10⁻¹ और 10⁻³। ये देखो ऐसा होता है इसका मीनिंग, ठीक है। चलो तो पिको का मतलब क्या हो जाएगा, पिको का मतलब होता है 10⁻¹² हो जाएगा, ठीक है। चलो उन्होंने क्या बोला है, 60 pF कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज बाय 20 V सप्लाई। देखो एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये दिया है 60 pF दिया है और उसको बैटरी लगा दिया है 20 V की, कितने वोल्ट की, 20 V की, ठीक है। और उन्होंने बोला इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज। अच्छा उन्होंने क्या किया, यहाँ से डिसकनेक्ट किया है, डिसकनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर से लगा दिया है, ठीक है, दूसरे कैपेसिटर से लगा दिया है, तो ये कितना है 60 pF और ये भी कितना बोला है 60 pF है, ठीक है। उससे क्या होने वाला, देखो एक बार इसको बैटरी लगा दोगे ना तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, और एनर्जी स्टोर हो जाएगी या इसके ऊपर चार्ज भी स्टोर होगा, चार्ज कितना स्टोर होगा, तो क्या होगा
क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो सी कितना है इसका 60 इंटू 10 रेस टू माइनस 12 क्योंकि पिको फैरड है, ठीक है, इंटू बी कितना है इसका, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो तो ये कितना होगा 20, कितना होगा 20, ये 20 होगा तो आंसर कितना होगा देखो 6 into 2, 24 ना 24 ये डबल जीरो हो जाएगा मतलब 2400, इसका मतलब कितना होगा 2.4 इंटू 10 रेस टू माइनस 9 हो जाएगा, राइट, 10 रेस माइनस 9 कूलम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोला है इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट, ओके एक काम करते हैं, इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है देखो, पहले एनर्जी कितनी स्टोर्ड है इसके अंदर, तो क्या लिखते हैं हाफ इंटू सी, सी कितना है इसका 60 इंटू 10 रेस टू माइनस 12 इंटू बी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है, तो ये चेक करो ये 2 से ये 200 बचेगा, राइट, 200 बचेगा तो 2 इंटू कितना होगा 6, 12, राइट, 12 ये ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो मतलब 12 इंटू 10 रेस टू माइनस 9, ठीक है, 10 रेस टू माइनस 9 जूल, इतनी एनर्जी पहले इसके अंदर थी, अब चेक करते हैं इनके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो ना ये दोनों किसमें है पैरेलल में है, ठीक है, दोनों किसमें है पैरेलल में रहेगा ना, तो पैरेलल में रहेगा तो कितना आएगा आंसर, ये सी वन प्लस सी टू मतलब 120 आएगा ना, तो क्या लिखेंगे देखो, अभी देखो ना चार्ज ऐसा फ्लो हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, लेकिन अभी वी पता नहीं ना हमको, वी पता नहीं है कितना है। ये तो पैरेलल में है तो ये देखो ना इसके अक्रॉस पोटेंशियल इसका और इसका कैसा होगा सेम होगा, बट कितना होगा हमको नहीं पता है, बट क्यू पता है ना ऑलरेडी, क्यू कितना है पहले से पता है इसके अंदर कितना है, वही तो चार्ज फ्लो होने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा ये आंसर, क्यू होगा 2.4 इंटू 10 रेस टू माइनस 9 इज इक्वल टू सी, सी क्या होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन 60 प्लस 60 होगा ना पैरेलल में, तो आंसर 120 इंटू 10 रेस टू माइनस 12 इंटू वी, ठीक है, तो क्या होगा बी कितना आएगा, ये 10 रेस टू माइनस 3 हो जाएगा ना, तो 10 रेस टू माइनस 3 हो जाएगा, राइट, कुछ गलत तो नहीं कहना ना 2.4 राइट, हाँ तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो माइनस 24 इज इक्वल्स टू 120 इंटू 10 रेस टू, देखो ना ये 24 लिखा है मतलब ये 10 रेस टू माइनस 10 हो जाएगा, तो ये इंटू 10 रेस टू माइनस 12 नहीं 10 रेस टू माइनस 10 नहीं 10 रेस टू माइनस 2 हो जाएगा, राइट, 10 रेस टू माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 2 मतलब 1.2 कितना हो जाएगा ये 1.2, राइट, 1.2 डिवाइड करोगे तो आंसर कुछ गलत आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता मतलब 24 2 में कुछ गलती किया है क्या, CB square तो एनर्जी के बारे में पूछा है ना, तो हाफ, अरे एक मिनट एनर्जी के बारे में पूछा है, यहाँ पे तो आंसर कितना आया है 2.4 ही आया है क्या, नहीं तो एक काम कर सकते हैं यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो ना ये 60 है ये 60 है तो इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी कैसी है सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया ऐसे भी तो कर सकते हो डायरेक्टली ये सब कुछ करने से अच्छा ना, देखो ना इसके ऊपर चार्ज कितना था तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू ये देखो ना एक होता था हाफ सी बी स्क्वायर और दूसरा होता था ऐसा होता था देखो क्यू स्क्वायर बाय 2c होता था, याद है आपको ये वाला फॉर्मूला, अच्छा तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा क्यू स्क्वायर बाय 2c मतलब कितना होगा ये देखो इनिशियल एनर्जी कितना होगा क्यू स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, बट क्यू नहीं पता है ना तो क्यू निकालो ना, वो आंसर आया था क्यू का आंसर कितना है क्यू इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 रेस टू माइनस 9, चलो ये आपके लिए दे रहा हूँ ठीक है, आप ही सॉल्व कर रहे हैं ये सॉल्व कर लो क्यू का वैल्यू ले लो और ये क्यू स्क्वायर बाय 2c, सी का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है ठीक है, अब यहाँ से कैसा होगा देखो यहाँ से कैसा होगा ई फाइनल इज इक्वल टू दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर होगी ना, इसके अंदर भी होगा इसके अंदर भी होगी, तो क्या करो डिवाइड कर लो इसको और चार्ज का क्या होगा चार्ज का क्या होगा, अगर चार्ज यहाँ पे क्यू है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्यों क्योंकि इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी सेम है तो इसके अंदर कितना होगा क्यू बाई टू और इसके अंदर क्या होगा क्यू बाई टू ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या होगा इसके वजह से क्या लिखोगे हाफ क्यू बाई टू का स्क्वायर बाय सी इंटू टू कर लो सीधा सीधा क्यू टू, क्योंकि इसके वजह से आंसर यही होगा ना, तो ऐड करना है हमको एनर्जी, तो एनर्जी के लिए इसको टू से मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आंसर
वैल्यूज पुट करो, क्यू का वैल्यू ये पुट करो और सी का वैल्यू 60 इंटू 10 टू माइनस 12 पुट करो और देखो आंसर क्या है। ओके ऐसा है क्या, क्यू 1.2 आएगा? ओके 1.2 आएगा, चलो 1.2 ले लो, क्यू का वैल्यू 1.2 ले लो और बता दो आंसर। इसके अंदर 1.2, इसके अंदर लिखते समय q by 2 लेना है क्योंकि q चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ पे डबल है ना दो कैपेसिटर से और कैपेसिटी भी सेम। तो आपको बताना है इसमें एनर्जी और इसमें एनर्जी जो भी स्टोर होगी उन दोनों का डिफरेंस कितना है। क्यू कितना है यहाँ पे 1.2 इंटू 10^-9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, सी कितना है यहाँ पे, सी है 60 इंटू 10^-12। तो आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा 1.2 इंटू 10^-18 राइट डिवाइडेड बाय ये 1.20 × 10^-12 आए, ठीक है। तो इससे क्लियरली दिख जाता है यहाँ पे 1.2 मतलब 12 × 12, यहाँ पे लिख देता हूँ 12 × 12 मतलब ये 20 हो जाएगा, 12 × 12 ये देखो क्या होगा -20 होगा राइट। तो ये 12 और ये क्या हो जाएगा 1 मतलब ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10^-11 मतलब आंसर 12 × 10^-9 जूल आएगा, ठीक है, ये इनिशियल है। फाइनल कितना होगा, तो फाइनल जो है ना सीधा सीधा लिख सकते हो आंसर यहाँ पे, सीधा सीधा क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c का आंसर अगर इतना आता है तो यहाँ पे देखो ना कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्यू स्क्वायर बाय कितना आएगा 4 आएगा राइट, नहीं क्यू स्क्वायर बाय 4c आएगा, बट अब क्या है क्यू स्क्वायर बाय 2c का आंसर हमको पता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 × यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर आ रहा है 12 × 10^-9, इसका आंसर आ रहा है 6 × 10^-9, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले इतना था अब इतना ही बचा है, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी लॉस हो चुकी है, एनर्जी क्या हो चुकी है लॉस, तो कितनी लॉस, तो दोनों का डिफरेंस आएगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था एनर्जी मतलब हीट कितनी लॉस होगी, मतलब एनर्जी फाइनल कितनी है 6 है, ये कितना है 12, मतलब आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे यहाँ पे जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो नैनो जूल में दिया था आंसर, किसने दिया था, नैनो जूल में पूछा था और इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कैसे रहेंगे, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन तो नहीं रहेंगे लेकिन ऐसा ही कुछ आंसर आना चाहिए, ठीक है, 1, 2, 4, 5, 6 में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, ये तो नैनो जूल है, ये क्या है नैनो जूल, ये भी क्या है नैनो जूल, मतलब ये 10^9 चला गया, 10^9 चला गया, तो 12 − 6 कितना होगा 6 नैनो जूल, क्या होगा आंसर 6 नैनो जूल होगा, ठीक है, गुड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और एक 2 क्वेश्चंस दे दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो तो सिंपल क्वेश्चन है, मुझे वो कैपेसिटर के लिए क्वेश्चन लेक्चर लेना था, ठीक है, तो देख लो उसके मतलब इस क्वेश्चन में और भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, इसको दूसरा मेथड से भी आप कर सकते हो, ये तो क्यू के मेथड से भी कर लिया, अब उसको सॉल्व कैसे करोगे, तो पहले वाले मेथड से इन दोनों का कैपेसिटर निकालो, q = c भी निकालो राइट,
वहां से कैसे सॉल्व होगा, तो ये क्यू का वैल्यू कितना आया था 1.2 into 10 raise to minus 9 आया था, तो सी कितना है उसका दोनों का कॉम्बिनेशन 120, क्योंकि 60 plus 60 ना पैरेलल में, तो 10 raise to minus कितना होगा ये 10 raise to minus 12 होगा राइट, एंड बी तो वी निकालो, और वी निकाल के तो देखो ना ये ऐसा होगा वी और ये ऐसा होगा, अब ये वी निकाले इसका मतलब क्या हो गया, ये वी हो गया और ये जीरो हो गया ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल, इसके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो इसका हाफ सीवी स्क्वायर प्लस इसका हाफ सीवी स्क्वायर ठीक है, तो ये वी जो आएगा ना यहाँ से आंसर वो भी वहां से भी सॉल्व होगा इक्वेशन। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर लेते हैं, मैं तो क्वेश्चन आपको ग्रुप के ऊपर भेज रहा हूँ। और दूसरी बात, ये मंदर कलके और ऐश्वर्य ने दोनों आंसर मतलब भेजा है, आपको ऐसा नहीं बोला था कि आप आज ही भेजना है, आप आराम से भेजने तो भी चल जाता, फिर भी अच्छी बात है कि आपने कल ही उसको भेज दिया है ठीक है। और निरंजन तुझे भी क्वेश्चन भेजा है ठीक है, वो थोड़ा आज करके भेज दो, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे क्यूमुलेटिव कुछ बोर्ड के क्वेश्चन थे ना उसका नोट बनाएंगे और आपके लिए यूज होगा फाइनल में ठीक है, तो थोड़ा कंबाइन करके एक के ऊपर ही बर्डन नहीं कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। 11 आएगा, 11 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 6 आएगा आंसर, 6 आएगा। यहाँ पे 12 आया था, पहले वाले का 12 आया था, दूसरे वाले का 6 आया था, तो 12 माइनस 6 6 आएगा ठीक है। चलो फिर कल हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले, नहीं 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 अब चेक कर लो, ये चेक कर लो, ये आंसर 11 नहीं आएगा, आंसर 6 आएगा। अरे काम करो, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ वैल्यूज बता दो, 1.2 into 10 raise to minus 9 क्यू का आंसर आने वाला है राइट, तो एनर्जी फाइनल इनिशियल क्या होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c होगी, ये वैल्यू पुट करोगे तो कितना आता है आंसर, 12 into 10 raise to minus 9 जूल आता है ठीक है। और फाइनल क्या होगा, ये क्यू बाई टू होगा ना फाइनल में, क्या होगा क्यू बाई टू, क्यों, क्योंकि दो कैपेसिटर्स है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करना गलत है, क्यों गलत है, अगर कैपेसिटीज की वैल्यू अलग अलग होता तो ये क्यू बाई टू डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो वो नॉर्मल वाली मेथड यूज करना होगा, कौन सी वाली, क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्या करो, क्यू का वैल्यू तो आपको पता है ठीक है, क्यू का वैल्यू पता है, यहाँ पे सी का होगा दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा आंसर ठीक है, वी निकालो, तो ये हाफ सीरीज करते भी करोगे तो भी चलेगा, इक्वल क्या होगा अभी यहाँ पे फिलहाल इस केस में, क्यू स्क्वायर बाय, देखो ना क्यू वाली इस केस में क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 4 अपॉन 2 से होगा, इसका मतलब ये कितना होगा, ये होगा क्यू स्क्वायर बाय 2, मतलब ये 8 से आ रहा है क्या, 8 से आ रहा है ठीक है देख लो एक बार, नहीं तो मैं उसका सॉल्यूशन में भेज रहा हूँ आप लोगों को, सॉल्यूशन में भेज दे रहा हूँ चाहिए तो, ये होगा ऐसा, E2 का वैल्यू क्या करना होगा, Q square by 2C कर लो ठीक है, तो और दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हमको सॉल्व करना होगा, तो आंसर ना 6 आता है इसमें ठीक है। चलो